तो भाई ये मंदिर है जहाँ हम रात को रुके थे, और अभी मैं निकलने को तैयार हूँ क्योंकि मेरी देखो साइकिल भी बाहर ले आया हूँ मैं। तो अभी मैं फुल्ली रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए आगे की सफ़र के लिए, और देखते हैं भाई आज कहाँ तक जा पाते हैं, अभी कोई पता नहीं है। मौसम तो अच्छा हो रहा है, बारिश आने वाला सा हो रहा है, बारिश ना परेशान करे तो सही है, क्योंकि तो बहुत परेशान करती है बारिश। मैं यही चाह रहा हूँ कि बारिश परेशान ना करे बिल्कुल भी, कल भी बहुत भिगा दिया था उस कारण बॉडी भी आज एकदम से टाइट हो रखी है, क्योंकि कभी भीगना कभी सूखना ये थोड़ा सेहत के लिए भी सही नहीं है। लेकिन निकले हैं तो भाई अब आगे पहुंच के तो मानेंगे। भाई सुबह सुबह की राइड करके आ रहा है मज़ा, क्योंकि आगे से आ रही है ठंडी ठंडी हवा और ये चल रही है अपनी साइकिल। आगे का व्यू आप देख ही सकते हो कितना औसम हो रहा है, सामने सूरज देवता ने भी दर्शन देने स्टार्ट कर दिए थोड़े थोड़े। आज थोड़े हम लेट ही निकले क्योंकि आज हमें पता हम ज़्यादा चलने वाले हैं नहीं दोपहर से पहले पहले, तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं भाई कहाँ अपना स्टे रहने वाला है। भाई चलते चलते थोड़ा थक गए थे और ये हमको मिल गया एक चौधरी साहब का, क्या पता नहीं हवेली टाइप में कुछ होटल वगैरह बन रहा है। माँ और रोज भाई बैठे हैं, साइकिल उधर लगा दी हमने, देखो क्या मस्त जुगाड़ है ये बुलेट, थक थक थक। किसमें ले लेते हम? मजाक में। क्या होता है ये? वो तो आप भी समझते हो। हो गई हो गई। खड़ी अपनी साइकिल और ये बैठे हम दोनों, और आज का जो खाने का है वो यहाँ पे बैठ के खाएंगे भाई। रात को हमने पैक करवाया था वो पड़ा अब तक, और भाई यात्रा है तो रूखा सूखा खाना पड़ेगा, घर पे तो गर्मा गर्म हाथ आ जाता लेकिन यात्रा पे रूखा सूखा ही खाना पड़ेगा। तो रात का बचा हुआ था वेस्ट करने से बढ़िया है कि हम सोचे खा लेंगे रास्ते में, तो अभी भूख लग गई तो भाई खा के निकलेंगे आगे, क्योंकि भूख से चलना थोड़ा एनर्जी के लिए हानिकारक होता है, शरीर के लिए भी हानिकारक है और साइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये रहा अपना खाना, मैं दिख नहीं रहूँगा। दोपहर का रेस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया जगह मिल गई हमको, ये यहाँ पे सिंगाणा से 8 किलोमीटर पहले एक आश्रम था और बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे हम दोपहर को ऐसे रुके, आज वैसे जल्दी रुक गए 10 बजे रुके, क्योंकि भाई कल की बॉडी की थकान बहुत ज़्यादा हो रखी थी हमें, तो रुकना पड़ा, मजबूरी हो गई हमारी। कैसा लग रहा था भाई आज की थकान देख के रोहित भैया, बताओ? आज यार अलग ही लेवल की थी। कितनी अलग लेवल की? मतलब पैरों में ना जकड़न सी हो गई, शरीर भी जकड़ा। इसका रीज़न ये है कि भाई कल 80 किलोमीटर कंटिन्यू निकाला था हमने, इस वजह से आलस भी आ रहा था और पैरों में जकड़न भी हो रही थी, और YouTube के लिए मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी थी, तो इसलिए मैं आज जल्दी रुक गया, थोड़ा वीडियो एडिट करके डाल के बाद में यहाँ से शाम को 3-4 बजे के आसपास निकलेंगे। दोपहर का रेस्ट करके अभी 3-4 बज चुके हम निकल चुके हैं, धूप तो अभी बहुत तगड़ी है, आगे ठीक है लेकिन अब मैं पीछे देखोगे तो बहुत बढ़िया धूप आ रही है, लेकिन ठीक है यार निकलना था आगे, आगे पहुंचेंगे नहीं फिर, जितना लेट होते उतना सही नहीं है, तो कभी धूप में भी चलना पड़ेगा भाई, कल बारिश ने परेशान किया था आज धूप परेशान कर रही है, तो यह तो चलता रहेगा। फिलहाल मैं निकल चुका हूँ और अभी 8 किलोमीटर पहले रुका था, सिंघाणा आने वाला है तो मैं सिंघाणा में पहुँचूँगा अभी। जय बोलेंगे भाई लोगों, साइकिल बैकपैकर क्या 3,500 3,500 किलोमीटर चलना होता मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली टूर मारता मैं। ये नारनौल तक हाईवे है क्या पूरी? अब 10 मिनट नारनौल कुछ राजस्था गया, कितना हो रहा है यहाँ से? 15 किलोमीटर। इसकी फोटो खींच लो आप, सही रहेगा, बाद में सर्च करके लगा लेना। डेथ 3 आज हरियाणा में गुजारूंगा मैं, और हरियाणा में बढ़ते मेरे को एक मंदिर मिल गया था बालाजी का, बढ़िया मंदिर है, तो यहाँ पे मैं रात को रेस्ट करूँगा, यहाँ पे सुबह से निकलूँगा, आपको भी मंदिर दिखाता हूँ कैसा मंदिर है भाई, बहुत बढ़िया मंदिर है, यहाँ पे सोने वोने की खाने की सब व्यवस्था हो गई हमारे लिए, यहाँ से सुबह निकलूँगा और आपको भी मंदिर दिखाता हूँ।
भाई इस मंदिर में नाइट का स्टे होगा और फिर यहाँ से सुबह निकल जाएंगे। मंदिर में कुछ बच्चों के साथ टाइम बिताने का भी मौका मिला मुझे, और बचपन तो यार सबका अलग ही रहता है। कुछ बच्चे मिले मुझे, जय श्री राम भाई। जय श्री राम। तो बताओ कैसा लगा हमसे मिलके? अच्छा। क्या आप भी ऐसी यात्रा करना चाहोगे सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ना चाहोगे? तो भाई बच्चों को भी यही सीख दो कि अपना जो सनातन धर्म है उसके लिए लड़ना सीखो। कल आपने आपको सबको मैंने एक घटना दिखाई थी कि भाई मंदिर को कैसे उखाड़ा था वहाँ से, ऐसा ना हो इसलिए ये युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के लिए बहुत आगे आगे लड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम निकले हैं भाई, और बच्चों को अच्छी सीख देनी हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम उनके बुजुर्ग होने वाले हैं। तो भाई अच्छा लगा सबसे मिलके यहाँ पे हरियाणा में। मुझे वैसे भी आपको मैंने पिछली यात्रा में बताया था कि मुझे हरियाणा में सबसे अच्छा लगता है कि वहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुज़ुर्ग, उनसे बहुत अच्छा रहता मिलना, और इतना ही स्नेह प्यार मिलता है हरियाणा में। इतना राजस्थान में नहीं है भाई जितना हरियाणा में मिलता मुझे। मज़ा आता हरियाणा में आके, पर हरियाणा में इस बार मैं दो ही दिन रुकाऊँगा, कल कल का दिन और है, फिर वापस हरियाणा से निकल जाऊँगा, वापस राजस्थान घुस जाऊँगा। तो भाई इस बार कम टाइम मिला मुझे हरियाणा में, पर बढ़िया टाइम मिला है। स्टार्ट होते ही मेरा हरियाणा में बहुत बढ़िया निकला है। The next morning. जय श्री राम दोस्तों, हो गई है मॉर्निंग की शुरुआत और निकल गए हम जहाँ से रात को रुके थे। और भाई मैं आता हूँ हरियाणा की तारीफ करता हूँ, क्यों? क्योंकि भाई जिस मंदिर में रुके थे वहाँ फ्रेश व्रेश होने के लिए वॉशरूम वगैरह नहीं था, तो सुबह सुबह एक आंटी जी आए और उन्होंने चाय पानी के लिए बोला। तो भाई फ्रेश होने से पहले चाय पानी कैसे? तो आंटी जी ने बोला कोई नहीं, यहाँ नहीं आप मेरे घर पे आओ, वहाँ फ्रेश व्रेश हो जाओ आप। और भाई ऐसे लोग हरियाणा के, फिर उन्होंने वहाँ पे चाय पिलाई, नाश्ता करवाया, और उसके बाद अब हम निकल गए अपनी राइड पे। देखते हैं अब आज यार, प्लान तो ये है कि वापस हरियाणा को क्रॉस करके वापस से राजस्थान अलवर में घुस जाएँ आज वापस से फिर से, बट देखते हैं जो भी है। अभी स्टार्ट हुई है मॉर्निंग तो वहाँ तक जाते हैं, पर चलते हैं रास्ते का मजा लेते हैं। मेरे में निकले थे और अब तक लगभग मैंने 15 किलोमीटर निकाल लिया है 2 घंटे 1.5 घंटे में ही। और अभी मम्मी को कॉल करने के लिए रुका था भाई मैं, और चाय पानी पीने के लिए था। अभी मम्मी कॉल उठा नहीं रही है, क्या पता उठाएंगे या नहीं, तो कर रहा हूँ क्या पता उठाए ले। अभी तक तो उठाया नहीं है, वरना बाद में आएगा तब करेंगे, क्योंकि घर वालों से बात करना है भाई, बहुत ज़रूरी है। ये खड़ी अपनी साइकिल, और भाई मौसम साफ हो रहा है। अभी हाईवे से सिंगल लाइन इधर जाना पड़ेगा, अब आएंगे मुझे गांव से होते हुए जाएंगे भाई। रुका हुआ हूँ, दोपहर हो चुकी है और एक मंदिर में जो बरहोड़ अलवर ज़िले में रुका हुआ हूँ मैं, यहाँ तक पहुँच गया। दोपहर का मेरा रेस्ट यहाँ हो रहा है, और अभी एक मंदिर मिला है मुझे, उसमें रुक रहा हूँ। शिव राधा सब विराजमान है यहाँ पे, शिव जी के मंदिर आप दर्शन कर सकते हो। और अभी जाओ रुका हुआ हूँ मैं, वो जगह भी दिखाऊंगा कहाँ पे रुका हूँ भाई। इधर है राधा रानी मंदिर, राधा कृष्णा जिनके मैं दर्शन करने के लिए स्पेशली वृंदावन और मथुरा जा रहा हूँ। और अभी जैसे हमारी साइकिल ये इधर लग गई है, इधर हमने साइकिल लगा दी और यहाँ पे इधर हमारे रुकने की व्यवस्था हो गई पूरी। तो यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, ऐसे बेड लगे हैं भाई, पंखा कूलर सब लगा हुआ है, तो ऐसे में हम रुक जाते हैं कहीं पे भी। दोपहर में मंदिर वगैरह मिल जाता है, बहुत सारे मंदिर मिलते हैं रास्ते में, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है रुकने की, कहीं पे भी रुकना हो जाता है। फिलहाल का दोपहर का रेस्ट हो चुका है हमारा और निकल चुके हैं। अभी भी धूप है थोड़ी और टाइम हो रहा है 4:30 का। अभी दोपहर को इस मंदिर में रेस्ट किया था, अब देखते हैं भाई कितना दूर निकालना है, क्योंकि धूप भी हो रही है और बारिश का मौसम भी हो रहा है, तो कहाँ तक जा पाते हैं, चलो निकलते हैं अभी। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 4 बजे का, और अभी खाना खाने के लिए हम बैठे हैं। खाना खाने का मतलब भाई सोच सकते हो यात्रा में कितनी परेशानी आती है, टाइम से खाना नहीं मिलता है यहाँ पे। अभी 4 बजे मैं खाना खाने बैठा हूँ, शाम के का आता पता नहीं अभी कब खाऊंगा कब नहीं। 4 बजे खाना खा रहा है। चलो भाई कैसा लग रहा, भूख लगी है नहीं लगी? भूख तो लगेगी ना यार, टाइम क्या हो रहा? टाइम 4 का हो रहा है अभी, हालत ख़राब है भाई। घर से निकलना इतना इजी नहीं है, निकल तो जाते हैं बट रास्ते बहुत कठिन है। तो फाइनली खाना वाना डन, अब वापस निकलने की तैयारी में भाई। आज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है हम निकलने के लिए, और अभी और ज़्यादा लेट नहीं हो सकती क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, आगे चलना भी है लगभग 20-22 किलोमीटर निकालना भी है, तो अब लेट नहीं होंगे, तुरंत निकलेंगे। खाना खाने के बाद रेस्ट कुछ नहीं होगा, अब आगे होगा जो होगा। तो भाई ये था हमारा जो अभी खाना खाया, इस होटल का नाम क्या है,
पटेल होटल, बढ़िया खाना था, एक नंबर खाना था, सेव भाजी और मैंने रोटी ली थी, छाछ ली थी, एक नंबर खाना मिला हमें यहाँ पे। और ये खड़ी अपनी साइकिल, क्या क्या बोले, और ये किलोमीटर के हिसाब से सारा, हाँ सारा अभी ब्रॉड से लगभग आपका शायद ये 7-8 किलोमीटर में ही है ना, बै रोड से 7-8 किलोमीटर तो होगा आपका होटल, बै रोड से कितना है होटल आपका, हाँ तो भाई ये जो पटेल होटल है बहरोड से आप अलवर जाओगे तो 4 किलोमीटर पे ये होटल मिलेगा आपको, बढ़िया खाना है, कभी भी आओ खाना खा के जाना है यहाँ का। तो भाई जैसा आप देख सकते हो आगे पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो गया और शाम के बज चुके 7 और अभी कोई मंदिर वंदिर मिला ही नहीं हमको और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पहाड़ी इलाका है, क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी तक ये भी श्योर नहीं है। तो भाई किसी ने बताया तो है पर वो बहुत दूर बताया 19 किलोमीटर और इस टाइम पे आप 19 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, तो देखते हैं भाई क्या रहता है, अगर नई व्यवस्था हुई तो फिर चलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या पता मुझे मंदिर वगैरह मिल जाए कोई आसपास में, बट मुझे नहीं लगता है इन पहाड़ी एरियो पे कोई मंदिर वगैरह मिलेगा क्योंकि आगे पूरे पहाड़ है सामने देखो तो आप, मौसम बढ़िया हो रहा है, देखते हैं खींच डालेंगे 1-1.5 घंटे और चलाएंगे साइकिल, क्या पता खींच ही दे। अंधेरा हो रखा है शायद, मैं पूरा सा दिख भी नहीं रहा होगा। तो आज के रुकने की व्यवस्था हमारी हो गई है, अभी हम अलवर से लगभग 30 किलोमीटर है इस मंदिर में रुके हैं हम यहाँ पे, और इस वीडियो को इतना ही खींचूंगा भाई, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ये वीडियो वैसे भी, और टिल देन गुड बाय एंड ऑलवेज धर्म के रास्तों पे चलते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आप सबको, बाय।